प्रत्येक आदमी सम्मान करने का अपना अपना ढंग है ना, सब प्रत्येक आदमी का अपना अपना ढंग है। लक्ष्मण जी उठे, वो भी अपने चुम्बन लेने के लिए एक तकनीक जानते थे, उठे कटार निकाले और खटाक से आगे से नाक दोनों कान काट कर कहे कि लो यह सुंदरता अपना अपने हाथ में रखो, चलो यहाँ से। जय राम जी की। देखो लक्ष्मण का सुंदरता का ख्याल करना भी बड़ा टेक्निक था, और वह अपनी जो है चिल्लाई बड़ी जोर से, रुधिर प्रकट हुआ, वह अपने रूप में आ गई, वृद्धावस्था तो हो ही गया था, चिल्लाते हुए चली गई। जब वह जा रही है तो अपने खर और दूषण त्रिशरा, ये इसके भाई थे, और इन लोगों से जाकर राक्षसों से कही, जो यहाँ के सेनापति थे, यह तो गवर्नर थी सेनापति थी, तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, श्रम नहीं आ रही है, और यहाँ पर एक जो है अयोध्या का निर्वासित राजकुमार आकर सारे राक्षसों को नाश किए जा रहा है, यह नहीं कही कि मैं किस काम के लिए गया था, यह भी कही कि तुम लोग, तुम्हारा CID CBI कुछ नहीं कर रहा है, तुम लोग केवल लूटते हो, खाते हो और पीते हो, लड़ने की साहस खो चुके हो। खर दूषण और त्रिशूना, तुम जानते हो मैं उसका भी क्षेत्र घुमा हूँ, खरसियाँ जानता है ना, छत्तीसगढ़ में खरसियाँ हैं, खरदूषण वहाँ रहता था, खरसियाँ के नाम पर खरदूषण पड़ रहा है, बाणासुर भी वहीं रहता था, बाणासुर का शिव मंदिर वहाँ है, खरसियाँ छत्तीसगढ़ में है, बाणासुर का भी राजधानी वही है, वो सब दंडकारण्य है, छत्तीसगढ़ भी उसी दंडकारण्य के क्षेत्र में भी आता है। मैं सब जगह घूमा हूँ, देखा एक जगह घूमा, तब खर और दूषण, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ कथा के तरफ, खर और दूषण दोनों जो है त्रिशरा तीनों जो हैं 12,000 सेनाओं कर लेकर चल दिए, कहे कि बहन ठीक ठीक दिखाओ जगह कहाँ है, तुम चाहती क्या हो, उस आदेश का पालन मैं करूँगा। कहा कि मैं भैया ठीक मैं बात कहूँ अपनी मन की बात, हाँ लक्ष्मण का सिर उतार दो, दुष्ट है वो, हमारा कान नाक काट कर हमको क्रूर किया है, इसलिए इसका सिर उतार लो और राम को गिरफ्तार करके हमारे हवाले करो, और सीता को गिरफ्तार करके हमारे भैया को, हमारे भाई जो हैं रावण राजा हैं उनको जो उपहार भेंट करो। अच्छा अच्छा उपाय बताई ना। खरदूषण कहा कि बहन यही होगा, तुम्हारे साथ मजाक करने वाली की हालत यही होगा। कहा कि लक्ष्मण का सिर मैं देखना चाहती हूँ, सिर धड़ लाओ। एक लड़की जो थी, एक औरत जो थी, इसकी सेविका थी, वह किसी तरह से, वह भी बंदर जात की थी, बंदरी थी, वह राम के यहाँ आ गई थी, वह सारी सूचना देने लगी थी। सूचना के बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सूचना नहीं लेते हो, कोई आता जाता पूछते हैं कि कौन घूम रहा है, तो पता नहीं कौन घूम रहा है गुरु जी। देखो वहाँ जो है सूचना, वहाँ भी जुट गए थे भगवान राम, वह देती थी आकर सूचना दे दी कि सब सेना अटैक कर रहा है। इधर जो है जैसे ही ना काटे तब आकर के गिद्धराज जटायु कहा, राम सजग, जितनी आपके आसपास विप समाज की बाहिनियां हैं तुरंत खबर करो, वायरलेस करो, टेलीफोन करो, सबको बुला लो। अब डायरेक्ट रावण की तूने चुनौती दे दिया, उसके बहन का नाक काट काट के तूने चुनौती दे दिया है, हो सकता है उसका भाई आवे, अब तूने डायरेक्ट युद्ध की चुनौती दे दिया है, अभी तक तुम डालियों से खेल रहा था, अब तुम डायरेक्ट जड़ से प्रहार करने के लिए आ गया है, इसलिए मैं राजा हूँ यह जानता हूँ, विलंब मत करो राम। राम देखो इसीलिए बड़े बुजुर्ग आदमी का सलाह लिया जाता है। राम तुरंत सब सेनाओं को भेजे जगह जगह, जो उनके था ब्रह्मचारी थे सन्यासी थे, आसपास के सब लोगों को बुलाओ, युद्ध विद्या जिन काला जान गए हैं, सबको बुलाकर किसी को पेड़ पर चढ़ा दिए, किसी झाड़ी में छिपा दिए, किसी को राम युद्ध विद्या में, ऊपर वह जो है टीला था ही, दूर से देखने लगे खर और दूषण तीसरा 12,000 सैनिकों को लेकर के, ये केवल तलवार लेकर के चले थे कि इनको मार काटना ही ना है तलवार, चूंकि ये लूटने पाटने के लिए आदि हो गए थे, यह तो जानते भी नहीं थे, मानव जात के लोग भी तीर धनुष चलाना जानता है, और यह जब बंदर तो पत्थर से वार करते हैं और लकड़ी से गदा बनाकर लड़ाई लड़ते हैं, बंदर रिक्ष जो है हाथ से लड़ते हैं, बंदर हाथ से लड़ते हैं, उसलिए हाथ का लड़ने के लिए तलवार तो काफ़ी है ना, इसलिए वह तलवार लेकर के सब चला था। जैसे ही राम के नज़दीक वहाँ पर पहुँचा, इनके टीले के नज़दीक, वह खर बड़ा हंसा, बहन कहाँ ला रही हो, यह इतने मूर्ख हैं,
आके इनकी गुप्तचर विभाग सूचना तक नहीं दिया, एक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये मालूम होता है अपने झोपड़ी में ताश खेल रहे हैं। अभी हम नहीं झोपड़ी में ये गिरफ्तार कर लेंगे बहन, क्यों इतनी सेना को बुलाई, ये तो हम दोनों भाई आते इसे झोपड़ी से गिरफ्तार कर लेते। इनकी मूर्खता की हद हो गई। लेकिन यह नहीं जानता था कि राम सजग हैं, चारों तरफ से छिपे हुए हैं लोग। और जैसे ही वो पर वह चढ़ना हुआ, राम प्रकट हो गए और ललकार दिए खर को, और बाण जगह जगह से बाण बरसने लगा। जो जो छिपा था पेड़ों पर झाड़ियों में, सब और चारों तरफ से बाण की वर्षा होने लगी। उसके जितने सैनिक थे 12,000, नज़दीक तलवार चलाना तो दूर है, टनाटन टनाटन वहीं घुलटने लगे। अब खर दूषण तीसरा समझा, चूंकि यह जो था उस रथ में था जो कि कवच धारण था उसका, लेकिन देख रहा था कि यह दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब केवल तीरे दिखाई पड़ रहा था। आखिर हम तो चुक गए, इसकी तो गुप्तचर विभाग ज्यादा सक्रिय है, ये सब तीर बरस कहाँ से रहा है, क्या वह मंत्र जानता है, क्या वह जो है दैविक प्रकोप करना जानता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन चारों तरफ से तीरें धड़ाधड़ बरस रही है, मेरे सैनिक खटाखट उलट रहे हैं, अब क्या किया जाए। तब खर दूषण यह अपने राम को ललकारा कि तुम बहादुरी के साथ आग सामने युद्ध करो। राम कहे कि हम तो सामने ही हैं। खर के सामने राम चले गए, दूषण के सामने लक्ष्मण खड़ा हो गए, और दोनों जो है तलवार लेकर भांज रहा था, लेकिन तीर से वार किए। खर और दूषण वहीं पर जो है जय श्री राम जी की हुए, और पूरी 12,000 सेनाओं को वह जो है 2 मिनट में चटापट कर दिए। और देखो यह जो है बुद्धि से काम हो गया। तब उसकी बहन जो थी स्वर्णरेखा, और जो सैनिक बचे थे भागे लंका के तरफ, उसकी बहन रथ पर आरूढ़ होकर के लंका की तरफ भागी, और जगह बिना विश्राम किए जगह जगह वहाँ पर घोड़े बदलने के लिए आवाज अड्डा थे, वहाँ घोड़े बदलते रहते थे, जैसे अभी इंजन बदलता है तुम लोगों का, वहाँ घोड़े बदलते थे और रथ वही चलता था। घोड़े बदलने की जगह पर थोड़ा मिनट रुकती और वहाँ से भागती, चूँकि वह राजकुमारी है लंका की, भागती। होते होते वह संध्या होते होते लंका पहुंच गई, और लंका जब पहुंच गई लंका के द्वार पर मधुदरी उसे रिसीव किया। और उस समय आपातकालीन सभा, प्रथम बार आपातकालीन सभा बुला चुका था लंका में रावण, सभाएं बैठ गई थी, और मधुदरी अपने आवास में ले जाकर के बहन की स्वागत किया। लेकिन वह कहे कि नहीं, मुझे राज्यसभा में जाने दो, लोकसभा में। लोकसभा में जब गई देख रही कि रावण को डांटते हुए बोली, चूंकि बड़ी बहन थी, तुम यहाँ अभी लोकसभा चला रहा है, वहाँ तुम्हारे तीनों भाइयों को मार दिया, सारे फौज कर दिया, वह लंका में पहुँचने ही वाला है, देखो मेरा यह रूप बदल दिया। रावण राज कहा कि ठीक है बहन, मुझे सूचना मिल गई है, मेरी गुप्तचर व्यवस्था इतनी ढीली नहीं है, सूचना मिल गई है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ क्या किया जाए, तुम विश्राम करो। पुनः उन्हें घर भेज देती है। अब वह जब जाता है घर, वह जाती है उनके घर पर बैठती है, तब मधुदरी पुनः आकर के सेवा शुश्रूषा में जुटती है, और कहती है मधुदरी कि बहन तुमको बहुत कष्ट हुआ, डॉक्टर से इलाज वगैरह सब चालू हो गया है, लेकिन यह जो है उसको देख करके और माथे पर उसका सिंदूर देख करके कुढ़ जाती है कि मेरे पति को तो तुम्हारा पति मार गिराया और मुझे जन स्थान दे दिया, यदि मैं सचमुच में स्वर्ण रेखा होंगी तो तुम्हारे सारे पति और पुत्रों को लाश पर मैं नहीं घूमी, तब मैं सचमुच में स्वर्ण रेखा नहीं कहला करके राख रेखा कहलाऊंगी। देखो घर का भैरी यह अपने अपने संकल्प ले ली, इसलिए तुम मत समझो तुम्हारे नज़दीक रहने वाला आदमी ही तुम पर धोखा करेगा, बाहर वाला आदमी धोखा करता है तो संभल जाओगे, घर के लोग धोखा करते हैं तो संभल नहीं पाओगे, यह संकल्प ले ली। मेरे पति को मार करके तुम जो है अपने मौज कर रही हो, तुम जाओ हमको और लोगों से मिलना है, तुम जानती हो कि मैं राष्ट्राध्यक्ष भी हूँ, बहुत लोग मिलने वाले हूँ तुम्हारे, ऐसा मैं कोई गृहिणी नहीं हूँ। ठीक है वह कही, तब तक से खबर आया कि विभीषण जोराज विभीषण मिलना चाहते हैं। जोराज विभीषण का नाम सुनते ही नाक भाव समेटने लगी, यह तो दुष्ट जन्म से ही दुष्ट है, यह सुधरेगा ही नहीं जिंदगी भर, और यही प्रथम मिलने आ रहा है। अपनी पत्नी सुरमा के साथ विभीषण आए, प्रणाम किए, बहन कैसी हो, तुम्हें पता नहीं चला कैसी हूँ,
तुम यहां का गृह मंत्री हो, तुम्हें पता नहीं चला कि मैं कैसी हूं, देख नहीं रहा मैं कैसी हूं, राजकाज करने लायक तुम नहीं रहा विभीषण। विभीषण कहता है मैं समझ गया बहन, तुम वैसी हो जैसे तुम विद्युत जिह्वा काल जय विद्युत जिह्वा के साथ लेकर भागी थी उसी तरह से लंका को लेकर भागने वाली हो। विभीषण इसीलिए कहते हैं कि तुम जन्म से नालायक निकला ना, राज मर्यादा भी भूल गया, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हो। कहा कि हाँ बहन भूल करना, लेकिन मैं यह समझ गई कि तू 12,000 सेनाओं के साथ खर दूषण त्रिशिरा को ही नहीं मारे मारी है, तू लंका के एक एक आदमी को हवन कर देगी, अपने काम वासना के चक्कर में मार डालेगी। जब तक से तू मार नहीं डालेगी बहन, तब तक से तुम जो है चैन की नींद नहीं सोएगी। देखो एक साधु है, साधु भी उसका अभी संकल्प लिया, अभी पकड़ लिया, अभी संकल्प ली है ना, इसीलिए साधु से नहीं कारज की हानि। विभीषण साधु है, भक्त है, यह जान गया एक एक आदमी को यह मार डालेगी, यह जानती है। विभीषण तुम निकल जाओ यहां से, मैं तुझे जानती हूं कि जन्म से तू नालायक, हमारे वंश में जन्म ले लिया है और तुम्हारी नालायकियों को ढोते ढोते हम लोग तंग आ गए हैं, निकल जाओ और पुनः मेरे यहां मत आना, न मेरी समाचार पूछने के लिए आना। कहा कि नहीं बहन, अब मैं जा रहा हूँ, तुम बड़ी हो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह समझ गया कि अब तुम्हें उसी समय अब हम लोग मिलेंगे जब लंका के एक एक आदमी तुम्हारे वासना के शिकार हो जाएंगे। सांच कहे जग मारा, सच कह करके यह विभीषण वहाँ से बाहर निकल गया। इधर अगस्त ऋषि पत्नी लोमा लोपापुद्रा के साथ पहुँच गए। देखा एक ऋषि ऐसा भी है, और पहुंचते ही कहे राम अब डायरेक्ट युद्ध का वाहन हो गया ना। कहा कि हाँ ऋषि डायरेक्ट युद्ध का वाहन हो गया। कहा कि अब तुम एक तरफा अभी तक राम युद्ध किया है, सिद्धाश्रम से यहां तक केवल मारा है ना, लेकिन राम यह युद्ध नहीं है, एक तरफा तुम्हारा वार है, अब युद्ध शुरू हो जाएगा राम। गुरुवर कहने का मतलब, कहा कि अब तुम पर वार होगा, अब लंकेश तुम पर वार करेगा, इसलिए सजग हो जाओ। मैं ऋषि हूं, दूरदर्शी हूं, इसलिए मैं देख रहा हूं कि लंकेश अब तुम पर वार करेगा। कहो तो मैं अपनी पत्नी लोपापुद्रा को छोड़ दूं, अपने सन्यासियों को कुछ मैं भेज देता हूं, तुम अब संगठित हो जाओ। और यहां पर सजग रहो, यह मैं संदेश देने के लिए आया हूं, और तुरंत जितना संगठन कड़ा करना है अभी अपने संगठन को कड़ा कर लो। यह बात कहे ठीक है ऋषिवर, आपका संदेश मान लिए, और आप अभी माता लोपापुद्रा की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा इष्ट और अभीष्ट लंका है, इसलिए इन्हें ले जाइए, जरूरत पड़ने पर हम कहेंगे, अभी हमारे यहां एक तरफा ही युद्ध है। इधर लंकेश जो है लंकापति रावण चिंतित हो गया कि यह जो है निर्वासित राजकुमार धीरे धीरे मेरे साम्राज्य को छीन करते जा रहा है। लेकिन वहां से चित्रकूट होते हुए यह जो है जनस्थान पहुंच गया, और जनस्थान में जो मेरे ही समान जो मेरे भाई थे खर और दूषण बलवान, इन्हें कौन मार सकता है, उसे भी मार दिया। इसका मतलब कि साधारण वनवासी नहीं है, ये हमारे अयोध्या के लिए कलंक हो गए हैं, कोई ऐसा उपाय करूं कि इन लोगों को मैं चक्कर में डालूं, फेर में डालूं। लेकिन रात में सोचते सोचते एक उपाय सूझ गया, सूझ गया। सुबह रथ जो है अपने निकाला, सारथी भी नहीं लिया, और रथ निकाल करके सीधे पहुंचता है मामा मारिच के यहाँ। मामा मारिच झोपड़ी में ध्यान कर रहा था, वह भी नाक दप रहा था, तपस्या कर रहा था। मारिच को बोला मामा मारिच, मारिच अकेले देखकर कहा कि राजन आप? कहा कि मामा हम संकट में घिर गए हैं। तो क्या? कहा ऐसी ऐसे तुम्हारी भगनी का हो गया है, कुछ तो करो मामा। तो क्या करना होगा? कहा कि तुम मायावी है ना। तो कहा कि तुम, हमें पता चला है जानकी को स्वर्ण से प्रेम है, तुम लोगों को भी स्वर्ण से प्रेम है, इसलिए तुम स्वर्ण मृग बन जाओ ना मामा। कहा कि तब तू स्वर्ण मृग बन जाओ, स्वर्ण मृग बनने तुम्हें लेने के लिए वह राम को भेजेगी।
आगे के बात वह राम किसी तरह से आश्रम खाली कर दो, सीता को मैं ला दूंगा। सीता जब लंका में आ जाएगी वह वनवासी नाक रगड़ते हुए मेरे यहाँ गिड़गिड़ाएगा आएगा, मेरी बहन कही है कि लक्ष्मण को मार देना, फिर यही कही है चलते चलते बहन मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए सेवा, तो वह कही कि लक्ष्मण को मौत के घाट उतारो, राम को बंदी बनाकर मेरे यहाँ दे दो मेरे सेवा में, और सीता तुम्हारे लायक है उसे अपने साथ रख लो। सीता को मैं जब लेकर के चला आऊँगा तब राम अपने जो है रोते रोते आएगा, लक्ष्मण सिर पटक कर मर जाएगा, हम लोग काम आसान हो जाएगा। मारिच कहता है कि ऐसा कमजोर मत समझो उसको, एक बाल पाले पड़ गया है हमको, हमारी ही माँ ताड़िका थी ना मामा बेटा रावण, हमारी ही माँ ताड़िका है। और वहाँ से राम ने ऐसे दंडित किया है, तुम जानते हो कि मैं सब अब छोड़ चुका हूँ यह माया काम, यहाँ पर छोटे छोटे चमत्कार दिखाकर लोगों को थोड़ा ठग लेता हूँ, इसलिए मैं आश्रम में रहता हूँ, मैं काम करता हूँ। यह ठीक बोल रहा है, तुम आश्रम में रहने वाले जो चमत्कार दिखाता है ओझाई करता है उसी को तुम लोग समझता है कि बड़ा सिद्ध बाबा है, लेकिन मारिच कहता है कि मैं लोगों को अपने चमत्कार दिखा करके उल्टा सीधा करके कुछ देकर ठग लेता हूँ, अपना जीवन यापन करता हूँ समुद्र के किनारे, अब मुझे इसमें मत पड़ो, मैं उसका पौरुष जानता हूँ वह मार डालेगा, तुम उसे मत टकराओ। और भी देखो मैं विश्वामित्र को भी देखा, लेकिन मैं अपने इस चमत्कार में अपने जैसे तुम तपस्या किया है मैं भी तपस्या किया हूँ, और पूरा रावण साम्राज्य तुम्हारा राक्षस साम्राज्य तपस्या पर टिका हुआ है, लेकिन चाल चरित्र के हम लोग धनी नहीं हैं, हम लोग काम से वासना से अतृप्त हैं, इसलिए मेरी रात दिन गिरावट अब होने लगी है, और हमने विश्वामित्र के आश्रम में कभी जाकर हथियार नहीं डाला, न उनका स्वर योग सीखा, न साधना सीखा, न देवासुर दिव्यासुर लिया, हम तो वहीं कहीं के नहीं रह गए ना, अब मुझे डायरेक्ट आवाहन मत करो भगिना। हालांकि मारी समझाता है, और हम छोटी छोटी ठगहारी करते हैं, कोई रास्ते से जा रहा है उसका हम हाथ देख लेते हैं, हाथ देकर कुछ बता देते हैं ग्रह नक्षत्र, तुम लोग हमसे भी बहुत बार लोग मिलते हैं चलती ट्रेन में हवाई जहाज में, महाराज जी कुछ हाथ भी देखते हैं क्या, तुम्हारी और किसी पर कोई कीमत नहीं, बस हाथ पर कीमत है, जो कि तुम जानते हो पुराण कहता है विष्णु पुराण नारद पुराण ज्योतिषी को वैद्य को कथावाचक को इन्हें प्रणाम मत करो, इन्हें दान मत दो, चूंकि ये भगवान की भक्ति न सिखा करके ये जो ग्रह नक्षत्र में लगा देते हैं और ग्रह नक्षत्र में भ्रमा करके भक्ति से दूर कर देते हैं, ये आवागमन के बंधन में लगा देते हैं, ग्रहाधिपति को नहीं पकड़ाते हैं ग्रहों को पकड़ा देते हैं, इसलिए इन्हें प्रणाम करने से भी मनाही कर दी गई है। और वह मारिच कहता है मैं जानता हूँ लेकिन क्या करूँ, किसी का हाथ देख देता हूँ, किसी के लाट देख देता हूँ, किसी का कुछ भी देख लेता हूँ, इसे थोड़ी थोड़ी ठगहारी करके अपना काम चला लेता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी मौत बुला रहा है, मत जाओ, तुम्हारा भी चलो मैं हाथ देख देता हूँ, कुछ भविष्य बता देता हूँ, रावण संहिता है, रावण कहता हमसे बड़ा ज्योतिषी तू ही बना है, अब तू गुरु बन गया है, देखो रावण कहता है गुरुसम उपदेश, तुम गुरु की तरह उपदेश देने लगा, और तलवार निकाल लेता है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, हमसे न तुम बड़ा ज्योतिषी है न तू बना ज्ञानी है, चार वेद छह शास्त्र का मैं ज्ञाता हूं, इसलिए मुझे दस शिष्य कहा गया है, नहीं जानता है तुम जो है यह जानता है मैं, मेरी तो रावण संहिता है, अभी भी कुछ लोग रावण संहिता से देखते हैं और रावण अपना नहीं देख पाया भविष्य,